Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. So in this video, we are going to talk about the first global player of the world, Dias Pedro, the forgotten legend of the Brazil server. He has one of the most rare ID in the world. So without wasting any further time, let's start the video. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा रेयर प्लेयर था फ्री फायर का, जिसके पास सबसे ज्यादा रेयर आईडी थी फ्री फायर की, डीएस पेड्रो। आई नो आपने इनका नाम कभी भी नहीं सुना होगा, ये एक फॉरगॉटन लेजेंड माने जाते हैं, ठीक है, जिसको अब कोई भी याद नहीं करता। इवन ब्राजील प्लेयर्स भी, मतलब उनको भी ये याद नहीं है अब। तो ये जो बंदा था, इसने सीजन 2 और सीजन 3 में टॉप 1 किया था, और ऐसा वैसा टॉप नहीं, जब इसने सीजन 2 में S2 में, जो कि पहला रैंक सीजन था फ्री फायर का, जब इसने उसमें टॉप किया ना, तो ये पहले दिन से लेके एंड के दिन तक टॉप 1 पे था, और कोई भी बंदा इसको पीछे नहीं छोड़ पाया। इवन मैंने भी ट्राई किया था, बट आई वॉज 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम हिज लेगेसी, ठीक है। तो ये बंदे ने ऐसा लेगेसी बिल्ड किया है ना, जो कि पूरे वर्ल्ड में ना कोई भी अब बीट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसने तब यूट्यूब चैनल खोला था स्टार्टिंग के दिनों में ही, जब फ्री फायर के कोई और चैनल्स नहीं थे। तो ये इकलौता बंदा था तब ब्राज़ील का जिसके पास यूट्यूब चैनल थी, लेकिन इसको रेस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि ऑडियंस नहीं थी यूट्यूब पे। तो फिर जाके इसने पहले यूट्यूब छोड़ा, फिर धीरे धीरे करके सुनने में ये आया कि इसने अपना आईडी भी भेज दिया, ठीक है। तो मैं आपका इनका रैंक स्कोर दिखाता हूँ, ये वीक 3 है, ठीक है। तो तब ना पहले सीजन में जो हीरोइक था वो एक ही मंथ का था, और वीक 3 का ये मैं स्कोर दिखा रहा हूँ इसका, ठीक है, 4000 पॉइंट्स, जो कि बहुत आगे था नंबर 2 से। तो ये रिकॉर्ड है उस सीजन के वीक 3 के, और इस टाइम पे मैं था टॉप 20s में, और फिर जाके मैं टॉप 3 पे जैसे पहुंचा हूँ एंड के दो दिनों में, उसका एक अलग से वीडियो आएगा, एक स्पेशल वीडियो आएगा कि कैसे मैंने कॉन्कर किया पूरे ग्लोबल को और कैसे मैं टॉप 3 पे पहुंचा। लेकिन मैं उसको पीछे नहीं छोड़ पाया, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से आएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सिर्फ डीएस पेड्रो की। तो यहाँ पे मेरे पास इनका एक पुराना स्क्रीनशॉट था जहाँ से मेरे को इनका आईडी मिला। तो इस आईडी नंबर से ये पता चलता है कि ये स्टार्टिंग के 400,000 आईडीज में था ये आईडी, कि बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको इंडिया से सर्च करोगे तो इसका रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं निकलेगा। तो हमारे सर्वर में अगर इस आईडी को सर्च करते तो पूरा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आईडी है ब्राज़ील सर्वर का। तो चलते हैं हम लोग ब्राज़ील सर्वर में। तो यहाँ पे सर्च करने पे इस आईडी के फुल रिकॉर्ड्स निकल रहे हैं यहाँ पे। तो इस आईडी के डिटेल्स ये है कि ये आईडी डीएस पेड्रो ने भेजा था, सुनने में आया कि बहुत बड़े अमाउंट पे भेजा था, और जिस बंदे ने इसको खरीदा था सीजन 5 में वो भी अब इसको नहीं खेलता, ठीक है। तो ये आईडी एकदम से मतलब फॉरगॉटन हो चुकी है, लेकिन ये आईडी वन ऑफ द रेयरेस्ट आईडी पूरे वर्ल्ड में है। ऐसी आईडी कोई भी नहीं बिल्ड कर सकता, क्योंकि इसमें सीजन 2 भी ग्लोबल है, S2 भी ग्लोबल है, S3 भी ग्लोबल है, और पहला ग्लोबल है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर आईडी है, और इस टाइम इस बंदे का KD भी काफ़ी अच्छा था, जो कि 4.47 है, और हेडशॉट रेट भी नॉर्मल था 14 का, जो कि तब सबका लगभग था, ठीक है। तो ये जो आईडी है अब यूज़ में नहीं है, आप इसके रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा खेलता था ये बंदा। हेडशॉट रेट आप देखोगे तो कम होगा, क्योंकि उस टाइम पे ड्रैग वैग नहीं लगते थे। तो फिर जाके जो दो सीजन्स ख़त्म हुए S2 और S3, फिर गंद मच गई ग्लोबल पे, क्योंकि फिर वो बंदा आए जो रैंक कार्ड से चले गए, ठीक है। और इस बंदे ने सीज़न 5 में ही आईडी छोड़ दिया है खेलना, इसमें फर्स्ट 5 लाइट पासेज है, और फिर जाके जो 6-7 शायद नहीं है, या तो सब है इसमें, लेकिन फर्स्ट 5 का मेरे को ये चीज़ पता है कि फर्स्ट 5 लाइट पासेज में 5 हुए, ठीक है। तो आप ये आईडी नंबर देख सकते हो, तो इससे आपको ये पता चलता है ना कि ये तब थी ना ये आईडी जब 400,000 की आईडीज थी फ्री फायर की, अभी जाके 80 करोड़ डाउनलोड्स है, तब 400,000 में से ये आईडी बन चुकी थी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रेयर, सबसे ज़्यादा रेयर आईडी अगर कोई वर्ल्ड में है तो वो यही आईडी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अब नहीं खेलता ये आईडी, इसने छोड़ दिया ये खेलना, इसके फ्रेंड ने भी जिसको भी ये भेजा था उसने भी छोड़ दिया खेलना। तो अब बात करेंगे सीजन 3 में, S3 में इस बंदे ने क्या किया, तो इसका गेम प्ले देख लो आप सीजन 3 में, ठीक है। तो सीजन 3 में भी इसने ग्लोबल टॉप किया था, और कैसे देख लो आराम से। तो आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं ना कि ग्लोबल करना है, तो वो सब रैंक कार्ड्स पे ही होता है, ठीक है। जितने भी बंदों के पास डबल रैंक कार्ड्स होते हैं वो सारे ग्लोबल पे ही होते हैं। लेकिन तब क्या होता था, आप देख सकते हो यहाँ पे एक किल चुरा रहे हैं, ठीक है। तो तब हम लोग किल भी चुरा सकते थे, ठीक है। तो ये जो बंदा है इसको ब्राज़ील सर्वर में भी आप कोई याद नहीं करता, मतलब सब ने इसको भुला दिया है, ठीक है, क्योंकि ये बंदे ने सब कुछ छोड़ दिया, गेम वगैरह, यूट्यूब, सब कुछ। तो आप लोगों को मत लग रहा होगा ये बंदा क्या घटिया खेल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब सब ऐसे ही खेलते थे, गेम बहुत स्लो था, इतना एडवांस नहीं था जो आजकल आप
ड्रैग वैग करते हो, वो सब नहीं होता था तब। तब गेम थोड़ा स्लो था, सेंसिटिविटी कम था, तो इसीलिए ऐसा गेम आपको लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बंदे ने S3 में भी ग्लोबल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इस बंदे के रैंक स्कोर दिखाता हूँ Season 3 का, जो कि इसने इसमें भी ग्लोबल किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज के दौर में इसको कोई भी नहीं जानता, आप सबको भी नहीं पता होता इसका नाम। आपने जिन भी बंदों के नाम सुने हैं वो इसके बाद आए, ठीक है, जो भी आप जानते हो ग्लोबल प्लेयर्स, लेकिन इसका जिक्र कोई भी नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है इसलिए इसका स्कोर नहीं दिखा रहा है, वरना इसका स्कोर 4003 है। और टॉप पे आप देख सकते हो 2 ऑलरेडी है, स्मोक गॉड जो कि इनके बेस्ट फ्रेंड थे, जो कि इन्हीं के साथ खेलते थे, तो इसी बंदे से इंस्पायर होकर मैंने रैंक पुश किया पहले सीजन में, और मैं टॉप 3 में भी पहुंच गया था लास्ट के 2 दिनों। उसका भी एक स्पेशल वीडियो आएगा बहुत जल्द इस चैनल पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसका देख सकते हो कितना अच्छा स्कोर भी रहा है इसका, तो बहुत अच्छा प्लेयर था। लेकिन अभी ना कोई भी इस बंदे को याद नहीं करता, किसी भी बंदे को यह याद ही नहीं है, ठीक है। कोई भी नहीं जानता इसने कब ग्लोबल किया था, ठीक है, कब क्या किया था, इसलिए इसने फिर YouTube भी छोड़ दिया। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।